नमस्कार, मैं हूं मुस्कान नागदा। आप देख रहे हैं आठ इंडिया न्यूज। मामला बाणगंगा थाना क्षेत्र में रहने वाली एक ढाई साल की बच्ची का उसकी मां के दोस्त ने अपहरण कर लिया। आरोपी उसे अपने साथ मानपुर तक ले गया। जब मामला पुलिस तक पहुंचा तो रात भर टीम आरोपी की तलाश करती रही। वहीं रात ढाई बजे बच्ची को आरोपी उसकी मौसी के घर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस अब मामले में आरोपी की तलाश कर रही है। दरअसल मामला बाणगंगा थाना क्षेत्र के सुंदर नगर में रहने वाली शिवकन्या पटेल रात 8:30 बजे थाने आई थी। उसने बताया विशाल पुत्र श्यामलाल दोपहर में उसके घर आया था। यहाँ वह ढाई साल की बेटी पलक को खिला रहा था और कुछ देर में ही वह बेटी को चॉकलेट दिलाने की बात कर ले गया। जब आरोपी शाम तक बच्ची को घर लेकर नहीं आया तब रात में विशाल को कॉल किया गया, तब उसका मोबाइल बंद आया। वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इस मामले में बच्ची पलक की तलाश शुरू कर दी। जहाँ पुलिस के मुताबिक विशाल अपने साथ शिवकन्या का मोबाइल भी चुरा कर ले गया था। इस मामले में पुलिस ने जब शिवकन्या के मोबाइल पर कॉल किया तो पहले विशाल बच्ची के अपने पास नहीं होने की बात करने लगा। बाद में पुलिस ने उसके जीजा और बहन को हिरासत में ले लिया और उन्हें आरोपी बनाने की बात कही, जिसके बाद विशाल डर गया। उसने पुलिस के सामने आने से इनकार कर दिया लेकिन बच्ची को सुरक्षित जगह पर छोड़ने की बात कही। बाद में वह पलक को गुजरी में उसकी मौसी के पास छोड़कर फरार हो गया। सर, एक आरोपी क्या महिला कल रात्रि में करीब 8:30 बजे आई थी, उसका नाम शिवकन्या था। उसने बताया कि वह बबलू के यहाँ काम करती है, काम करने वाला एक साथी है उसका, उसका नाम विशाल है। उससे उसकी मित्रता हो गई थी तो विशाल कल उसके पास में 2:30 बजे करीब घर आया और उसकी बच्ची को खिलाने के बहाने बाहर ले गया। उसके बाद फिर वो नहीं लौटा, ये कह के चॉकलेट दिला के ला रहा हूँ इस टाइप की बातें करके उसको ले गया। फिर नहीं, फिर उसने महिला ने बहुत प्रयास किए उससे बातचीत करने के और बच्ची को लाने के लिए, लेकिन जब वो परेशान हुई तो फिर 8:30 बजे रात में थाने आई। तो मैंने उसका लोकेशन निकलवाया तो एक बार में बंद निकला, दूसरी बार में फिर निकलवाया तो उसका ऐसी लोकल में थोड़ी सी दूरी पे उसका एक लोकेशन मिला हमको, फिर मोबाइल बंद हो गया। हमने फिर उसके आरोपी जो विशाल था उसके बहन को और उसके बहनोई को थाने बुलवाया पूछताछ के लिए। अब उनसे हम जब बातचीत कर रहे थे, पूछताछ कर रहे थे, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो अपनी बहन से ज़रूर बात करेगा फ़ोन लगा के। तो थोड़ी देर बाद ही उसकी बहन के मोबाइल पर फ़ोन आया उसका, आरोपी विशाल का। तो उसकी बहन को बात नहीं करनी थी, फिर मैंने बात की उससे। मैंने उसको बताया कि ऐसा ऐसा है, संरक्षण देने में तुम्हें देखेगा, तो उसने कुछ थोड़ी सी बहस करी मुझसे, लेकिन फिर बांधता था वो तैयार हो गया कि वह स्वयं नहीं आएगा, बच्ची को पहुंचा देगा। हमने कहा ठीक है, बच्ची को पहुंचाइए। तो उसने कहा ठीक है, मैं बच्ची को जहां मुझे छोड़ना है वहां छोड़ के आपको सूचना दे दूँगा। आधे घंटे बाद उसने हमको बताया कि मैंने बच्ची को उसकी मौसी के यहाँ गुजरी में छोड़ दिया है। हमने पार्टी रवाना करी, माँ बाप को रवाना किया, बच्ची हमको सकुशल मिल गई, लेकर थाने आए, उसको बच्ची दस्तियाब करके माँ बाप को उसके सुपुर्द कर दिया गया। आरोपी विशाल की तलाश पुलिस में जारी है। सर, क्या कुछ बताया उसने उसको लेकर गया? हाँ, वो तो हमें मिला नहीं, आरोपी तो गिरफ्तार हुआ नहीं। बताया कि वो चाहता है कि मैं अपने पति को छोड़ दूँ और उसके साथ रहने लगूँ, और कल के बाद उसने आज फिर फ़ोन लगाया था उसको कि उसके पति को छोड़ के वो उसके साथ रहने लगे। फिर मैं आगे बहुत उस पर दबाव बना रहा है कि वो अपने पति को छोड़ के उसके साथ रहने लगे। अभी तक इतनी बात सामने आई।